हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त योगेश सर, आप देख रहे हैं fullfor.com। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपना पबजी मोबाइल है उसके लिए गेम लोग अभी लॉन्च हुआ नया लेटेस्ट वर्जन, उसके अंदर थोड़ा बहुत चीटिंग को रोका जा सकता है, बट चीटिंग नहीं रुकने वाली, वो तो होगी तो होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर एक अपने सब्सक्राइबर ने या फिर अपने प्रशांत भाई ने एक मैसेज किया था हम लोगों को। ठीक है, ये देखिए प्रशांत जी ने, कि आपका एक्सप्लेन नहीं मिला मुझे, मतलब कि ठीक से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ इनकी रिक्वेस्ट पे। तो सबसे पहले आपको करना है कि अपना जो भी आपका ये लूप है, गेम लूप, इसको ओपन कर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे ओपन होता है या फिर यहाँ पर कैसे आते हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लीजिए या फिर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है, इंस्टॉल कर लेना है नॉर्मली गेम लूप, और यहाँ पर राइट क्लिक करके गो टू प्रॉपर्टी जाना है या फिर लोकेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको बैक जाना है ऊपर देखे असिस्टेंट, यहाँ पे यूआई फाइल मिलेगी, इसके अंदर आपको क्या ये एंड्रॉइड एमुलेटर नाम से मिल जाएगा, ये फाइल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ तक आ जाओगे, और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे आपको F9 प्रेस कर देना है। ठीक है, तो मैंने सोचा हुआ क्या, तो यहाँ पे आपका ब्राउजर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ES फाइल मैनेजर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ES फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको जस्ट ओपन कर लेना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका पाथ आपको नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो फ्लैश का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेटा फाइल फाइंड आउट करना है, डेटा फाइल, डेटा फाइल के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, शेयर 1। ठीक है, ये रहा शेयर 1। अब यहाँ पे देखिए मेरा, मुझे पता है पाथ कौन सा है, बट आपको नहीं पता, तो इस फोल्डर के अंदर आ जाइए सिर्फ आप। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके सामने देखिए न्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए या फिर फाइल बना लीजिए, मैं कहूँगा फाइल बनाइए। ठीक है, फाइल का नाम देना आपको अभी जो करंट टाइम है, जैसे कि कोई भी आप देना चाहो या कि स्पेशल जो आपका कभी इस कंप्यूटर में सेव हुआ ही नहीं हो। ठीक है, तो अभी आज देखिए 3-9-2019, इस नाम से मैं फाइल दूंगा, तो देखते हैं अभी, ये फाइल मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पे आपको जाना है कंप्यूटर में, ठीक है, आपका फाइल मेरे या फिर जो कंप्यूटर जिस पीसी में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है 3-9-2019, अब ये सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने फाइल आ रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये अभी जस्ट लेटेस्ट बनी है। अगर आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाओ तो आपका टाइम चेक कर लेना है, टाइम कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है टाइम पे क्या बन रही है। ठीक है, ये से तो काफी सारे कुछ शो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना है, और सॉरी यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शो हुआ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता एडिटिंग करना, बट करना पड़ेगा। तो ये फाइल इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे मिल जाएगा ओपन फाइल लोकेशन, तो ये अपने फाइल लोकेशन, फाइल मैनेजर उसकी जो लोकेशन है, जो ES फाइल मैनेजर, ये इसकी लोकेशन है, बट इसको हम चाहते हैं कि कोई भी फाइल और देखिए है या राइट, सही में जो बनी है वो है या नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, जो हम लोग बनाते हैं टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पबजी PUBG। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई पबजी नाम की फाइल नहीं बनी है, शायद बन गई होगी इतनी देर में तो। ठीक है, पबजी पबजी, यहाँ पे देखिए कोई पबजी नाम की कोई फाइल है नहीं। ठीक है, तो अब जस्ट इस पे को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आ चुकी है फाइल। इसके अंदर अभी हम एडिटर पे भी चेक कर लेते हैं, HTML एडिटर में यूज करके, तो इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर अभी एक बार मैं फिर से आपको चेक करना देता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडिट डॉट पेड प्लस प्लस जो भी आपके पास होगा उस पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ इस फाइल को। ठीक है, सेव किया मैंने, और फिर से मैं इसी फाइल में जाता हूँ और पबजी प्लस में जाके और इसे नोटपैड में ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो फाइल बनी है, मतलब कि ये अपना पाथ है। मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ साथ अभी आपने प्रशांत जी, आपने अभी मुझे लग रहा है आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको स्क्रीन स्टार्टिंग में शो करूंगा, क्योंकि एडिटिंग होगी इस वीडियो की। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।